फ्रूट्स के जबरदस्त कॉम्बिनेशन से खुद ही इजाज किया है। इसमें डलता सेब, केला, आम, इनकी खुद की ही क्रिएटिविटी है। साइड में जो है पुलिस चौकी है, ये बनती है पेठे की मिठाई से। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है अमित और आज मेरे ट्रैक पर है राजे फ्रूट आइसक्रीम। इनकी खासियत ये है कि ये क्रीम, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन से आइसक्रीम बनाते हैं। ज़्यादा करके जो है आप किसी ब्रांड की जो आइसक्रीम खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रेजर्वेटिव मिला हुआ होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम जानेंगे इनसे कि किस तरह से ये आइसक्रीम बनाते हैं, इनसे बात करेंगे और आइसक्रीम खाकर देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइज, राजे फ्रूट आइसक्रीम के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम गौरीशंकर है। भाई साहब, आप जो ये आइसक्रीम बनाते हो इतनी फेमस है, लोग जो है दूर दूर से आपके पास आते हैं, गाड़ियों से लोग आते हैं, इतनी जो है इतनी फेमस है, इतनी बढ़िया है, कैसे बनाते हैं, क्या इसके पीछे राज है? सर ये रियल चीज़ों से बनती है सब। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव कलर वगैरह कुछ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। इसमें डलता सेब, केला, आम, अंगूर के टाइम पर अंगूर डलता है और काजू किशमिश डलती है और आपका क्रीम में बनती है, दूध में नहीं बनती, खुद ही बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। अच्छा, मैंने देखा है यहाँ पर जो है पैकिंग सिस्टम भी है, तो क्या है पैकिंग सिस्टम आपका, क्या है उसका बताएं? सर छोटा कप 20 रुपए का है, उसमें दो स्कूप आते हैं, मेनली 10 रुपए स्कूप है, और बड़ा कप 30 रुपए का, उसमें तीन स्कूप आते हैं। बाकी हमारा ये पैकिंग का सिस्टम भी है, इसमें छोटा ये हाफ में है, ये आपका 150 का है, इसमें 15 स्कूप आएंगे, और ये वाला 250 का है, इसमें 25 स्कूप आएंगे। इन्हें हम बोलते हैं फैमिली पैक। तो चलिए दोस्तों खाकर देखते हैं, इनसे आइसक्रीम बनवाते हैं। तो भाई साहब मेरे लिए जो है वो 30 रुपीज़ वाला कप बनवा दीजिए। तो आइए गाइस, आइसक्रीम जो है मेरी रेडी हो रही है। तो स्कूप जो है अंदर जा चुका है और आइसक्रीम निकल रही है। मैं जो है आपको इसकी टाइमिंग बता देता हूँ। टाइमिंग जो है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक रहती है, आप कभी भी आ सकते हैं। और जो यहाँ का एड्रेस है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो है मैं आइसक्रीम खा के देखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट के बारे में। तो ये इसके ऊपर जो है चेरी भी डाली जा रही है। चेरी भी सर हम अपने आप बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ये बनती है, ये चेरी खुद हम बनाते हैं, ये बनती है पेठे की मिठाई से। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो चेरी है ये खुद ही बनाते हैं पेठे की मिठाई से, आइसक्रीम तो बनाते ही हैं साथ के साथ जो है ये चेरी भी बनाते हैं। तो फाइनली गाइस कप आ चुका है, खाकर देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर बनाना, एप्पल और कई सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स मिले हुए, उसका जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, अमेजिंग। यहाँ पर जो है आपको एक बार आकर ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर खानी चाहिए। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, साहिबाबाद के अंदर राजेंद्र नगर है और राजेंद्र नगर के अंदर जिंदल मार्केट है। जिंदल मार्केट के जस्ट सामने ही जो है इनकी स्टॉल लगती है, साइड में ही जो है पुलिस चौकी है, साहिबाबाद पुलिस चौकी शाम पर एक्सटेंशन वाली। यहाँ पर जो है इनकी फ्रूट्स की भी दुकान है और वेजिटेबल की भी दुकान है, उसके जस्ट साइड में जो है फ्रूट आइसक्रीम की ये वाली आप देख सकते हैं स्टॉल लगी हुई है। तो मैं आपको स्टॉल जो है आगे से भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जय माता दी राजे फ्रूट्स आइसक्रीम। यहाँ पर जो एड्रेस है बिल्कुल ही सिंपल है, आप आ सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से भी आ रहे हैं तो जो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर, वहाँ से उतर कर जो है 5 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। किसी से भी पूछ लेना कि जो है जिंदल मार्केट कहाँ है। तो एक बार जो है ये फ्रूट वाली आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें, इनकी खासियत है। ज़्यादातर जो आइसक्रीम हमें किसी ब्रांड की मिलती है उसमें प्रेजर्वेटिव होते हैं, लेकिन इनकी आइसक्रीम में किसी भी तरह का कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है। डेली जो है ये आइसक्रीम बनाई जाती है और लोग जो है बहुत पसंद करते हैं, दूर दूर से आते हैं, गाड़ियों से आते हैं। टाइमिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक बार और बताता हूँ कि शाम को जो है 6 बजे ये लगाते हैं और रात के 10-10:30 बजे तक जो है ये सर्व करते हैं आइसक्रीम। तो एक बार आइए यहाँ पर ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।